फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाकाहारी थाली। आज मंडे है, सब शाकाहार करते हैं, सबका व्रत होता है, शिव जी का पूजन होता है, तो हम सबसे पहले आज बनाएंगे शाकाहारी थाली में आलू का हलवा। तो हमने ये आलू उबाल लिए हैं, 9 आलू हैं ये, 9 कम से कम, और इसमें 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के लिए आराम से बन जाएगा। मैंने आलू को उबाल कर इनके छिलकों को उतार लिया है, अब इन्हें हम मैश करेंगे। देखिए, हमने आलू को थोड़ा मैश कर लिया है, और ये घी है जो हमें कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई भी हमारी तैयार हो गई है, हमने गैस ऑन कर दी है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी इतना ही डालना चाहिए, इतने आलू के हिसाब से, इतने आलू हों, घी ज़्यादा हो जाता है तो फिर हलवे से अलग, हलवे बनने के बाद अलग से नज़र आने लग जाता है, तो उतना ही घी क्वांटिटी में डालेंगे। देखिए, लोहे की कढ़ाई है, इसमें घी बहुत अच्छे से और जल्दी गर्म होता है, होता तो सभी कढ़ाइयों में है, लेकिन क्या है, लोहे की कढ़ाई में बनाने का मज़ा ही अलग होता है, टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है, और लोहे की कढ़ाई में बन भी जाता है अच्छे से। देखिए, हमने आलू धीरे धीरे डाल दिए हैं, पूरा आलू में मैश हो जाएगा, पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है आलू देवी को। शुरू शुरू में तो जब आलू पक जाता है तो आलू से अपने आप थोड़ा जो घी ज़्यादा होगा वो निकलने लग जाएगा। आपने अगर सही में ढंग से डाला है तो बहुत बिल्कुल इक्वल होगा। इसको हमें बिल्कुल ना गैस बंद करनी है, ना ये धीमी करनी है, ना तेज, मीडियम को हमें रखना है और चलाते ही रहना है। जब तक आलू का हलवा पक नहीं जाता ना, तो इसको चलाते ही रहना है, जब पकना भी शुरू हो जाता है। देखिए, पूरा घी ऑब्जर्व हो गया है आलू के अंदर। देखिए, और हमें यूँ मैश कर करके पल्सों से करते रहना है, ताकि आलू अच्छे से मैश हो जाए और पकना शुरू हो जाए। ओके, फिर अच्छे हम इसको चलाए जा रहे हैं, हम इससे करिए 10 मिनट तक, ऐसे ही सबसे अच्छा तरीका है चलाने का, 10 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाते रहना है, थोड़ा चिपकेगा फिर साइड से फिर निकाल देंगे और चिपकने नहीं देंगे। और जो ये रेड रेड होता है ना चिपकने का, बहुत ही अच्छा लगता है, हलवा बन के तैयार होता है, इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। देखिए, बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहा है क्योंकि घी भी सही मात्रा में है, आलू भी। ये आलू भी मेरा देखिए पकने लग गया, साइड में भी चिपक है। कम से कंटिन्यू, कम से कम हमें 10 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है। ओके, जब आलू बिल्कुल पक जाता है ना कढ़ाई में तेल उसके घी के साथ, तब खुशबू आना शुरू हो जाती है। फिर हमें ये देखिए पक गई है आलू, अब इसमें थोड़ा हमें चीनी डालनी है। ये देखिए चीनी डाल गए, ये देखिए ये आधी कटोरी समथिंग चीनी है, हम इसमें डालेंगे, अपने हिसाब से डालें, कम मीठा या ज़्यादा मीठा डालेंगे। फिर देखिए वैसे चलाते रहना, जैसे चिपकने लग गया, आप गैस थोड़ा धीमा कर दो। वाओ,
थोड़ा धीमा कर दिया है, आपको बताया था देखिए तो अच्छा मैश हो गया है। देखिए इसे कम से कम ऐसे ही हमें 5 मिनट तक और चलाना है, फिर ये मेरा आलू का हलवा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरा आलू का हलवा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, देखिए सही मात्रा में घी, आलू और चीनी, ये देखिए बिल्कुल हम पूरी कढ़ाई में हलवे को घुमा सकते हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये देखिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया है आलू का हलवा, आलू का हलवा जब तक ब्राउन नहीं हो वो हलवा नहीं लगता, बस ऐसा ही लगता है कि आलू उबाल के बस ऐसे ही चीनी डाल के बना दिया है। तो थोड़ा सा हम इसको तेज आँच में कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसमें बादाम डालेंगे, देखिए भीगे हुए बादाम है। ये तैयार हो गया हमारा आलू का, गैस का फ्लो बहुत तेज है फिर भी क्योंकि चिपक नहीं रहा है। ये तैयार हो गया हमारा देसी घी का हलवा, ये देखिए चाशनी बिल्कुल भर गई है। ये देखिए हमारा यम्मी यम्मी आलू का हलवा तैयार हो गया। ओके अब हम बनाएंगे कलारी आलू, जो व्रत में विशेषतर बनती है, उनको पसंद भी आती है, खाने में भी अच्छी लगती है। अब बनाएंगे हम कलारी आलू, उसके लिए देखिए ये आलू है भिगा हुआ है, मैंने इसमें छिलके निकाली है, मिर्ची है, धनिया है, काली मिर्च है, सेंधा नमक है, और कम से कम शंकर जी के व्रत में हम टमाटर नहीं डालते हैं मोस्टली, इसलिए हम काली मिर्च का विशेष उपयोग करते हैं, इससे और टेस्टी हो जाती है हमारी कलारी आलू। ओके हम ये आलू को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए हमने आलू को कट कर लिया है और सभी चीज़ें तैयार हैं। अब हम कढ़ाई में वापस से वही कढ़ाई है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं आलू का हलवा हमने निकाला, और हमने वापस से इसको कढ़ाई को ऐसे ही कलछुल से साफ़ करके, गंदा भी नहीं था, हमने इसको साफ करके हमने गैस चला ली है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में है, और इसमें हम घी डालेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म होने लग गई है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। देखिए जीरा हमने डाल दिया है, ब्राउन होने तक हमें जीरे को पकाना है, हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मिर्च वाला पकाने के लिए हम हाथ से काली मिर्च डालेंगे, आलू का घी कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, ऐसा नहीं घी बहुत जल्दी गर्म होता है। ये देखिए ये बाद में डाला तो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाद में भी थोड़ा डाल पर से डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे सेंधा नमक, देखिए हाँ 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 ये देखिए हमें सेंधा नमक को बिल्कुल मैश कर लेना है कढ़ाई में। फिर ये आलू आलू हमने कट करके रखा हुआ है, इसको फिर डालेंगे, थोड़ा सा लो गैस पर तेज कर लेंगे। फिर ये देखिए हमारी कलारी आलू तैयार है,
आलू वैसे ही उबला हुआ होता है, देखिए पूरी तरीके से तैयार है, और उसी में हम बाउल में डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये हलवा तैयार हो गया आलू का, ये कलारी आलू तैयार हो गई है। ये हमने स्टील के बाउल में रखा हुआ है क्योंकि हम मोस्टली स्टील ही यूज़ करते हैं व्रत में, तो किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे सागवारी थाली तैयार हो गई है। अब बनाएंगे हम सिंघाड़े के आटे की कढ़ी। कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। अब हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की कढ़ी। आलू बॉईल किया हुआ है, छिलके निकाल लिए हैं, ये सिंघाड़े का आटा, ये हरी मिर्च, और सिंघाड़े को आटे को हम पहले घी में कला देंगे, ब्राउन थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये देखिए मैंने कढ़ाई में घी को डाला हुआ है, ये देखिए देसी घी है डाल दिया हमने, और गर्म भी हो गया है, ये देखिए पहले भी चढ़ाया हुआ था, सेकेंड भी नहीं हुए थे गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आटा सिंघाड़े का, ब्राउन होने तक भूज देंगे जैसे मलवा बनाते हैं वैसे। इसे हम ब्राउन होने तक भूज लेंगे, थोड़ा ब्राउन होने लग जाए फिर आगे हम बताएंगे। तो थोड़ा हमें ब्राउन होने तक भूज लेंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल ब्राउन हो गया है और हमने इसको बंद कर दिया है, और तब ठंडा होने देंगे इसको साइड में रख के। और हम इस कढ़ाई में घी डालेंगे, इसमें हम छाछ का फ्लेवर तैयार करेंगे। हमने घी डाला है, देखिए ये घी गर्म हो गया है, इतना अच्छा घी है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर आप ब्राउन होने तक भूजेंगे, इसमें हम मिर्ची डाल देंगे, हमने काट कर रखी हुई है। फिर जो हमने आटा बनाया रखा हुआ है हमें ये डालना है, तो हम डालेंगे सबसे पहले आलू। अब उसमें आलू ने कला लिए, उसमें आटा ऐड कर देंगे, आटा ठंडा हो गया तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको चला लेंगे, पूरे आटा और आलू को पूरा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे छाछ, देखिए हमारी एक किलो छाछ है, हम इसमें डालेंगे। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा और हमें इसे अब चलाते रहना है, कम से कम 20 मिनट तक हमें इस कढ़ी को तेज आंच में पकाना है, लेकिन कढ़ाई को इसको चमचे चलाते रहना है, बंद नहीं करना है, ऐसे चलाते ही रहना है 20 मिनट कंटिन्यू। अगर आप उबलने लग जाए जल्दी से तो आप उसको छोड़ दें, अब तक उबलता नहीं है, उबलने का मीन्स मतलब ऊपर नहीं है, इसमें वो बाल आने लग जाए तब तक चलाते रहना है। ओके, देखिए ये कढ़ी बहुत गाढ़ी हो गई है, उबाल आने लग गया है। अब इसमें आधा ग्लास ये वाला पानी ऐड करेंगे बस, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डालना है, कि एक चम्मच सेंधा नमक है। डालिए हमने सेंधा नमक, और हमें इसे थोड़ा चलाते रहना है, कम से कम 5 मिनट तक चलाते रहना है तेज आँच में, ताकि
कड़ी फटे नहीं। क्या होता है नमक डालने से, और अगर आप जलाते नहीं रहेंगे तो फिर छाँस और थोड़ा सा आटे का टेस्ट अलग हो जाता है, तो हमें इसे चलाते रहना है। देखिए हमारे सिंगाड़े की आटे की कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई जैसी दिख रही है, तो खाने के बाद पता पड़ेगा। ऐसे ही चलाते रहना है तो वापस से बाल नहीं आने लग जाए। देखिए हमारी सिंगाड़े की कड़ी 20 मिनट में तैयार हो गई, बहुत ही टेस्टी हो रही है दिखने में, खाने का बता रही अभी। ये हमने खाई भी है इसलिए बताते हैं, बहुत इसलिए बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो मोस्टली कथ में बनाते हैं इसे। जैसे हमारे आटे की कड़ी तैयार है, अपने हमने गैस को बंद कर दिया है, अगर आप थोड़ा और पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं। देखिए ये सिंगाड़े के आटे से बना हुआ मैंने आटा तैयार किया है, इसमें 4 आलू और 1 कटोरी था सिंगाड़े का आटा, तो मैंने दोनों को मिला के मैश कर लिया है। 4 आलू और 1 कटोरी आटा, ये वाली 1 कटोरी आटा था और 4 आलू थी, दोनों को मिक्स अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसकी बनाएंगे सिंगाड़े के आटे की रोटी, रोटी मीन्स पराठा, तवे पे बनाएंगे, कढ़ाई में बनाओ तो पूड़ी हो जाती है, तवे पे बनाओ तो रोटी, उसमें देसी घी से बनाएंगे, वो तो बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये आटे की रोटी बना के हमने हाथ में ही ऐसे हाथ से दबा दबा के हमें रोटी तैयार करनी है। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गई है हमारी छोटी छोटी सी रोटियाँ। अब इसमें क्या करते हैं, घी लगाएंगे पूरे तवे में इस तरीके से। देखिए जो रोटी हमने बनाई थी वो हम ऐसे रख देंगे, बिल्कुल धीमे आँच में हमें करना है। ऐसे हम 4-5 जो भी रोटियां हैं हम इसी तरीके से हाथों से आटा लेकर थोड़ा सा करके आपने जो भी 4-5 रोटियां हैं उन्हें बनाकर तवे पर रख लेना है। ये देखिए ये सारी रोटियां ये तैयार हो गई हैं, हम इन्हें पलट लेंगे, धीमी आँच ही रखनी है। देखिए अभी नहीं, ये थोड़ा सा नहीं भी है, ये हो गई है, उसको से पलट लेंगे। एक साथ 5 रोटियाँ आराम से तैयार करते हैं, थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। ये लगा लिया है ऊपर से, इसको पलट कर देखते हैं। ये देखिए इसमें भी हमें घी लगाना है अच्छे से, और हमें ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है कॉस्टर से ताकि नीचे से थोड़ा सा पकने लग जाए। ये देखिए इसको ऐसे प्रेस करके बिल्कुल टाइट ऐसे अपनी रोटियाँ सेक लगती हैं। सिंगाड़े के आटे और आलू से मिक्स बनी हुई रोटियाँ हैं, जैसे कि सीखी हुई है। देखिए ब्राउन ब्राउन उनको थोड़ा सा दबा दबा के अच्छे से ये पक जाए, कच्ची ना रह जाए, तो मैंने सभी को ऐसे ही खा लेना है। ये देखिए मैंने सारी ये जो व्रत की हैं रोटियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखिए अब परोस लेंगे। ये देखिए हमने थाली में रोटियाँ सारी रख ली हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हमारी कड़ी है जो हमने आपको बताया, सिंगाड़े के आटे की, ये आलू का हलवा है, ये
कलहरी आलू है, ये हमारी शाकाहारी थाली तैयार हो गई है सोमवार के व्रत के लिए। सब कुछ आलू डला हुआ है इसमें, सब चीज़ें आलू से बनी हुई है, लेकिन ये किसी अकेले का खाना नहीं है, इसमें दो तीन लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। तो इतनी सारी कढ़ी बनी है, हलवा बना है, तो सब तीन चार व्यक्तियों के लिए बना हुआ है ये। आप और रोटियां बना सकते हैं, उसे खा सकते हैं, और ये शाकाहारी थाली बहुत ही अच्छी है, आप इसको खाइए, थाली को नहीं मतलब खाने को खाइए, बहुत ही बढ़िया है। और आपको ये शाकाहारी थाली कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये आपको शाकाहारी थाली बना हुआ भोजन अच्छा लगे तो हमें कमेंट